मध्य प्रदेश में भू माफिया के खिलाफ अभियान बदस्तूर जारी है। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन ने एंटी भू माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 8000 फीट में बनी 22 दुकानों को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। दुकानों को लेकर पिछले दिनों शिकायतें हुई थी, जिसके बाद यहां कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में निगम और पुलिस का अमला मौजूद रहा। तेजाजी नगर चौराहे के पास केलोद करताल में सरकारी जमीन पर बनाई गई 22 दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। बेसिकली अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इसमें दो ऐसे निर्माणकर्ता थे जिन्होंने बिना बिल्डिंग परमिशन के रोड के साइड में दुकानों का निर्माण कर लिया था और लगभग एक जगह 5000 स्क्वायर फुट, एक जगह 3000 स्क्वायर फुट पे लगभग 15 और एक जगह 20 से अधिक दुकानें बनाई गई थी। क्योंकि रोड के किनारे ये ज़रूरी है कि बिल्डिंग परमिशंस ली जाएं, जो बिल्डिंग परमिशंस के नॉर्म्स हैं उनका हम लोग पालन करें, अन्यथा की दशा में आगे चलकर रोड्स और बाकी सभी चीज़ों में भी दिक्कतें आती हैं, पार्किंग की दिक्कत रहती है। तो इसी को लेकर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो ऐसे निर्माण हैं जो अवैध निर्माण हैं या फिर कुछ लोगों ने परमिशन ली है लेकिन उनके वायलेशंस किए हुए हैं या अन्य इस प्रकार की श्रेणी में आने वाले जो निर्माण हैं वो टीम ने चिन्हित किए हैं और आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। आपको बताना जरूरी है कि इन अवैध दुकानों का निर्माण शहर के ही व्यापारियों ने किया था। भंवर कुआं से तेजाजी नगर तक सड़क निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन व्यापारियों ने इसका फायदा उठाने के लिए सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकानें बना ली। लोहा व्यापारी मलकत सिंह ने 13 और ट्रक बॉडी बनाने वाले रफीक ने 9 दुकानों का अवैध निर्माण कर लिया था, जिसे जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। हालांकि सब कुछ शांति से निपटा लिया गया, लेकिन एहतियातन तौर पर अमले ने डेरा डाले रखा। प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, कोई भी गलत फहमी में न रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।